एक औषधि पौधे के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, वो है ब्राह्मी। ये ब्राह्मी का पौधा है और ब्राह्मी को अंग्रेजी में वाटर हाइसॉप नाम से जाना जाता है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बैकोपा मोनेरी बोला जाता है, बैकोपा मोनेरी। ये जो पौधा है, जहाँ जमीन में पानी होता है ऐसे जमीन में पाया जाता है, इसलिए हमें अगर इसका खेती करना है तो जहाँ जमीन पानी पकड़ने वाली है ऐसी जमीन हमें लेना जरूरी है। अभी इसका कल्टीवेशन हमें करना है तो हमें इसका बेड करना है, पहले हमें इसका संकन बेड करना है, जमीन के नीचे वाले जैसे हम प्याज लगाते हैं ऐसे हमें बेड बनाने हैं। और बेड करने के बाद, या आप देख रहे हैं कि ये जो ब्राह्मी के पौधे, इसकी ये कटिंग से आ जाता है, ऐसे कटिंग निकालने हैं और ये जो कटिंग है ऐसे बेड में डालना है। तो लगभग 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर से हम अगर इसको ये ऐसे कटिंग निकाल देते हैं तो ये कटिंग से अपने आप आ जाता है। पहले जो हमारे बेड है, जो संकन बेड है, हम वाफा बोलते हैं, ये वाफे में पहले पानी भर देना है और पानी में इसको लगाना है। अगर बारिश का सीजन है तो अगर बेड बने हुए तो हम उसको डायरेक्ट कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ब्राह्मी जो है इसकी मांग काफी बड़ी है, बुद्धिवर्धक होने के कारण ये पित्तनाशक भी है, आयुर्वेद के अनुसार ये बुद्धिवर्धक है और ये याददाश्त के लिए, मजबूत याददाश्त के लिए इसका उपयोग बहुत भारी मात्रा में होता है। और शरीर में अगर विषले पदार्थ है तो ब्राह्मी ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं। ब्राह्मी कल्प बनाया जाता है, आपको सबको पता है आयुर्वेद में। और ब्राह्मी जहाँ पानी है ऐसे ठिकान पे आप कर सकते हैं। ब्राह्मी के पौधे हमारे रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर वेस्टर्न रीजन पश्चिम विभागीय, हमारा जो औषधि वनस्पति सह सुविधा केंद्र है, जो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड का है, उसके पास इसके रो या उसका प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल है। जो किसान इसका कल्टीवेशन करना चाहते हैं वो जरूर हमसे संपर्क करें और ब्राह्मी का खेती करें।